नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आखिर अपनी ईमेल आईडी पर अगर आप ओटीपी मंगा रहे हैं या फिर आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं और आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आखिर किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये ज़्यादातर तब दिक्कत आती है जब भी आप अपनी ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करते हैं जो कि ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपके पास किसी दूसरे फ़ोन में डिवाइस में लॉगिन नहीं है और आपने यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखा है, ठीक है। या फिर आप कोई गेम आईडी है जो कि गेम खेलते हैं और उसमें आप पैसे फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, तब इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो इस सारी प्रॉब्लम को हम किस तरीके से ठीक करते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि हम अपनी ईमेल आईडी पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा देते हैं, यानी कि दो जगह वो ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए तभी आप यहां पर यानी कि एक फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारा पासवर्ड है वो भी हम भूल जाते हैं और ओटीपी हमारी उसी ईमेल आईडी पर जाता है, ठीक है, क्योंकि हम नंबर सेम लगा देते हैं, यानी कि जो नंबर होता है हम वही नंबर लगा देते हैं जो नंबर हमारी ईमेल आईडी पर होता है रिकवरी के लिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये होता है कि आपकी ईमेल आईडी जो गूगल की पॉलिसी है उसके खिलाफ होती है, ठीक है, तो ऐसे में आप अपनी ईमेल आईडी को रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर कुछ तरीके में ऐसा होता है कि हमारी ईमेल आईडी भी सही होती है और टू स्टेप वेरिफिकेशन भी नहीं होता है पर ओटीपी नहीं आता है, तो ठीक है, उसके लिए आपको कहां कहां चेक करना होगा वो आपको मैं चलिए बता देता हूं, ठीक है, ये एकदम रियल है और इसके अलावा कोई भी तरीका कोई बता रहा है तो वो समझो फेक है, ठीक है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है मुझे जो कि वन विनो एप्लीकेशन है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, उसका ओटीपी आता है, ठीक है, अब ये ओटीपी यहाँ पर नहीं आता है गाजी टाइम, ये चला जाता है स्पेम में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर थ्री लाइन पर सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख पा रहे हैं स्पेम, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो ओटीपी आ जाता है, ठीक है, और हम देखते हैं कि इसमें आए वो ओटीपी। तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि जो आपने ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कर रहे हैं या फिर आपकी ईमेल आईडी पर जो ओटीपी भेज रहे हैं वो ओटीपी चला गया कि नहीं चला गया है, ठीक है। अगर वो चला गया है तो आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कर लेना है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ओटीपी जल्दी नहीं आ पाता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है स्पेम में जाके, ठीक है, तो स्पेम में वो ओटीपी आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि कई बार मेरे साथ इस तरीके का कारण जो कि मुझे हुआ है और मैंने फिर उसके बाद में हेल्प ली और उन्होंने बताया कि जो आपका ओटीपी है वो वहाँ पर जा रहा है स्पेम फोल्डर्स में, ठीक है, ईमेल आईडी के, तो यहाँ पर आपका जो ओटीपी है वो आ जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली में बनाया क्यों गया है, जैसे कि अगर आपके साथ कोई स्कैम करता है तब वो ये गूगल की पॉलिसी है वो ऐटोमेटो आपके स्पेम फोल्डर में डाल देगा ईमेल के, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो कि जिन लोगों को लगता है कि हमारा ओटीपी एक्चुअली में आता ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ईमेल आईडी को कई बार यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो उस वजह से जो गूगल की पॉलिसी है कुछ समय के लिए वो ओटीपी को रोक देती है, 24 घंटे के लिए, ठीक है, या फिर 48 घंटे के लिए। जब भी आपने देखा होगा कि कई बार आप अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और वो पासवर्ड वगैरह गलत पड़ जाता है तो वहाँ पर कुछ घंटे के लिए आपके अकाउंट को बैन कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि आखिर ओटीपी क्यों नहीं आता है और ओटीपी आता है तो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो वो ओटीपी कहाँ जाकर मिलता है, ठीक है, और इसी के साथ में जो ओटीपी नहीं आता है वो किस कंडीशंस में नहीं आता है, जब टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होता है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि मेरे साथ ये हुआ था कि लैपटॉप में भी मेरी आईडी थी, ईमेल आईडी वो भी लॉगिन थी, फ़ोन में भी, ठीक है, अब मैंने अपने फ़ोन को रीसेट किया और इसी के साथ में मेरे लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है, तो ऐसे मुझे नई विंडो सब कुछ चढ़वाना पड़ा तो उसी में ही वो यानी कि ईमेल आईडी थी लॉगिन हुई भी
तो वो वहाँ पर हट गई, ठीक है, मेरे दोनों डिवाइसों से। और पासवर्ड था मैं यहाँ पर भूल गया, ठीक है। रिकवरी का जो नंबर था वो सेम था, ठीक है, यानी कि एक ही मोबाइल पर। तो ऐसी स्थिति में वो ईमेल आईडी रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो ओटीपी है वो आपकी उसी ईमेल आईडी पर जाएगा जो कि आपकी फ़ोन में पहले से लॉगिन ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप ओटीपी नहीं पा सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में कोई भी बता रहा है तो वो समझो फेक बता रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो से मैंने आपको बता दिया है कि आप किस स्थिति में ओटीपी को पा सकते हैं और किस स्थिति में नहीं पा सकते हैं। और सबसे पहली बात तो टू स्टेप वेरिफिकेशन तब लोग लगाते हैं जब अपने अकाउंट को ज़्यादा ही हाई सिक्योरिटी करना होता है तब, ठीक है। अगर आपके अकाउंट पर टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है तो आपका ओटीपी है वो वहीं पर मिल जाएगा। इसी के साथ में मोबाइल नंबर भी लगा हुआ होता है, कई बार ईमेल आईडी पर नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर आपने ईमेल आईडी पर जो मोबाइल नंबर है वो लगा रखा है तो आप उसका जो पासवर्ड है चेंज करके और नए सिरे से आप कर सकते हैं ये सारे काम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो इसको लाइक करें, चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।